हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये है TCL कंपनी की किट। हम टीवी की किट रिपेयर करने के लिए लाए हैं, तो मैंने किसी और टीवी में ये किट लगाई है, तो देख लें आप इसके आईसीज। ये रहा फंक्शन आईसी। ये जो टीवी की किट है ऑन करने पर ऑन नहीं होती है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। हमने टीवी को एसी सप्लाई दे दी है, अब ध्यान से सुनिए। पावर ऑन करने पर इसमें चिक चिक की आवाज़ आ रही है, तो हमने 110 की सप्लाई चेक करनी है। मेन फिल्टर पे 330 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 110 की सप्लाई नहीं आ रही है। देखिए 110 की सप्लाई मिस है, तो हम ये जो सप्लाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन के ESD को जाती है, तो हम ट्रैक करेंगे। ये देखिए यहाँ से लगभग जंपर लगा है, रेजिस्टेंस लगी है, और ये जो ESD है इसकी पिन नंबर 4 पे ये 110 की सप्लाई जाती है। तो इस सप्लाई का जो भी जंपर है उसे हम ओपन करेंगे। यहाँ भी लगभग 110 की सप्लाई आनी चाहिए। देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है ख़राब है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 110 का जंपर जो है उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम 110 की सप्लाई चेक करेंगे। ये जो जंपर है सोल्डिंग से टच नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से इसे खाली कर लें। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। तो हमने मीटर को DC वोल्टेज में सेट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है 149 की सप्लाई आ रही है, क्योंकि हमारा जो TV है स्टैंड बाई मोड में है। अब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे, जहाँ हमें बीप की आवाज़ मिलती है। फिर देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। तो चलिए हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ये जो आउटपुट व्यू है उसे चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमें शॉर्ट बता रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये शॉर्ट है कि ओके है। तो यहाँ PF लगा है, वो भी चेक कर लेंगे। 2 KV का PF है, ये भी हमें शॉर्ट बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। तो यहाँ सभी पिनें जो है शॉर्ट बता रहे हैं ESD की। तो देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, तभी ये जो TV है ऑन नहीं हो रहा है, इसमें चिक चिक की आवाज़ आ रही है। मैंने ये जो सभी कंपोनेंट है चेक कर लिए हैं। ये जो डायोड लगे हैं, रेजिस्टेंस है, और जो भी यहाँ कैपेसिटर लगे हैं वो चेक कर लिए। तो हमारा काम बनता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसे हम सोल्डिंग ओपन करके हम चेक करेंगे। और ये जो ये लगभग सभी हमने कंपोनेंट चेक कर लिए हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में PF लगा होता है, ग्राउंड होता है 2 KV का, इसे भी हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम PF को बाहर निकाल के हम चेक करेंगे। ये रहा 2 KV का PF, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम कंटिन्यूटी में मीटर को सेट करके इसे चेक कर लेते हैं। ये रही इसकी वैल्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो PF शॉर्ट है, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम बन रही है, लेकिन हम ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसे भी हम बाहर निकाल के चेक करेंगे कि ये ओके है कि शॉर्ट है।
तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये रहा हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर का नंबर D1555। उसकी जगह पे हम 2499 भी लगा सकते हैं, तो हम इसे चेक कर लेंगे। एक तरफ कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ नहीं। ऐसे ही दूसरी तरफ हम चेक कर लेंगे और दोनों तरफ रीडिंग आनी चाहिए। सेवेंटी रीडिंग आ रही है, ये ओके है। तो इस पीएफ की जगह हम ये पीएफ लगाएंगे। ये हमने एलजी की किट से पीएफ निकाला है, तो हम यहाँ किट में से सेट कर देंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं। हम इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम सोल्डिंग करके किट को अच्छी तरह से पेट्रोल या थिनर के साथ साफ़ कर लेंगे। फिर हम 110 की सप्लाई और जो 185 की सप्लाई है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ जो जंपर हमने ओपन किया उसमें भी सोल्डिंग कर लेंगे। फिर हम टीवी को ऑन करेंगे। चलिए, इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। हमने टीवी ऑन कर लिया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यह 110 की सप्लाई ओके है और साथ में हम जो 180 की सप्लाई है वो भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ भी सप्लाई बन रही है। तो चलिए, हम टीवी को ऑन करते हैं। हमारा जो टीवी है ऑन हो गया है, लेकिन इसमें ये दूसरा फॉल्ट बन गया है। ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, इसमें पिक्चर की हाइट जो है कम आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ESD से 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है और साथ में SMPS से 24 की सप्लाई जाती है, वो चेक कर लेंगे। इस IC का नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, TA8403K। ये 7 पिनों वाला IC है। तो यहाँ 24 की सप्लाई आ रही है, यहाँ भी 24 की सप्लाई आनी चाहिए। जो कैपेसिटर लगा है, इसी दी SMPS से सप्लाई आती है। तो हम ESD की जो 12 वोल्ट की सप्लाई निकलती है कैपेसिटर में, चेक कर लेंगे। यहाँ भी सप्लाई ओके है। ये जो IC है काम में ख़राब होता है। आप डिफ्लेक्शन योक कॉइल भी चेक कर सकते हैं और उसके बायरे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉल्ट है ना IC का है और ना ही इन वायरों का है। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए वायरें और IC चेक कर लें। लेकिन ये जो फॉल्ट बनता है, ये कैपेसिटर का बनता है। यहाँ से जो वर्टिकल आउटपुट सिग्नल निकलते हैं, सीधे ये कॉइल को जाते हैं। तो हम ये जो फिल्टर है, इन्हें हम चेंज कर लेंगे। ये जो फॉल्ट बन रहा है कैपेसिटर का ही बन रहा है, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो आ रही है, लेकिन इस पिक्चर की हाइट जो है कम है। अगर सीधी ही लाइन होती तो ये जो फॉल्ट बनता है ये IC का बनता है, लेकिन हमारा IC बिल्कुल ओके है और डिफ्लेक्शन ये कॉइल भी बिल्कुल ओके है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो 305C 305 और C308 कैपेसिटर देख रहे हैं, इन कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे। आप ट्रैक कर सकते हैं, ये जो सीधे वर्टिकल आउटपुट सिग्नल होते हैं वो यो कॉइल को जाते हैं बाहर से होते हुए। तो हम इन कैपेसिटर को बाहर निकाल के इनकी जगह पे नए कैपेसिटर डाल लेंगे। इन दोनों कैपेसिटर का ही फॉल्ट बनता है, लेकिन आप फिर भी ये फॉल्ट ठीक ना हो तो आप ये वर्टिकल सेक्शन में जो सभी कैपेसिटर लगे हैं इन्हें चेंज कर दें, फॉल्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर भी कोई डॉट रहता है फॉल्ट निकालने में, तो रेजिस्टेंस और जो डायोड लगे होते हैं उन्हें चेक कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फॉल्ट निकला है ये इस कैपेसिटर का निकला है। इसकी वैल्यू है 2.2 UF 50 वोल्टेज।
तो आप देख लें 2.2 माइक्रोफाइड और 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, तो हमने ये किट में डाल दिया है। कैपेसिटर C305 की जगह हमने डाला है, ये जो कैपेसिटर लगा है यहाँ डाला है। तो आप इन कैपेसिटर को चेंज करके ये फॉल्ट जो है निकाल सकते हैं, अगर कभी भी ऐसा फॉल्ट बने। आप एक एक कैपेसिटर चेक करके भी ये फॉल्ट ओके कर सकते हैं। तो चलिए टीवी ऑन करते हैं। तो हमने टीवी ऑन कर दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फॉल्ट बिल्कुल ओके हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।